अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एटीएस पैनल के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। और ये इसमें एटीएस पैनल भी है और प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी हमने इसमें लगाई हैं, जैसा आप क्या आप देख सकते हैं। पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि वोल्टेज और एम्पियर पे काम करती है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोल्टेज और एम्पियर सेट कर सकते हैं। जो भी आप लिमिट रखते हैं उससे अगर वोल्टेज या एम्पियर एक्सीड हो जाते हैं या लो हो जाते हैं तो ये उस सूरत में आपके पूरे घर की बिजली बंद करवा देता है। जिसमें जिस तरह इसकी लोअर लिमिट जो है वो 190 ये रखी है हमने, कि 190 वोल्टेज से जैसे ही लो वोल्टेज हो जाए तो फिर ये पूरे घर की बिजली बंद करवा दे। और इसकी अपर लेवल हमने रखा है 240। 240 से जैसे ही वोल्टेज अबव हो जाएंगे तो फिर भी ये आपके घर की बिजली को बंद करा देता है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्टेक्टर। उसके बाद फिर हमने एक अर्थ लीकेज ब्रेकर लगाया है। ये जो अर्थ लीकेज ब्रेकर है ये अर्थ लीकेज होने की सूरत में काम करता है, चाहे आपकी तार जो है किसी इंसान को करंट की सूरत में लग सके फिर भी ये ट्रिप करवा देता है, या आपका कहीं पर कोई जिस तरह फ्रिज है, अमूमन फ्रिज होते हैं और ये वॉशिंग मशीन होते हैं, इनमें अक्सर जो है वो नमी की वजह से क्या होता है कि तारों में आपका करंट जो है वो लीक होता है, तो उसकी सूरत में भी ये अर्थ लीकेज ब्रेकर आपको बिजली के पूरे घर की बिजली को ट्रिप करवा देता है। फिर ये कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, जिस तरह ये लोड का कॉन्टेक्टर लगाया हुआ है हमने, पूरे घर के लोड का कॉन्टेक्टर है। उसके बाद फिर ये जो है ये जनरेटर का कॉन्टेक्टर है, क्योंकि जैसे ही आपकी लाइट चली जाती है तो फिर ये आपका लोड इस कॉन्टेक्टर पे चला जाता है, ये इनर्जाइज हो जाता है तो फिर पूरे घर का लोड आपका इस पर आ जाता है। उसके बाद फिर आपका नीचे हमने कुछ ब्रेकर लगाए हुए हैं। अच्छा, ब्रेकर के घर की बिजली में बड़ा अहम रोल होते हैं। लोग अक्सर ये समझते हैं कि जी जितना अच्छा ब्रेकर होगा, जितना ज़्यादा एम्पियर के ब्रेकर होंगे तो उतना यानी कि ज़बरदस्त काम हो जाएगा हमारा, जबकि ये गलत सोच है। आप अपने पहले लोड कैलकुलेशन करें, उसके बाद फिर अपने उस लोड के मुताबिक ब्रेकर लगाएं। आपको जिस तरह पता है कि मेरे एक कमरे में फ्रिज है, ट्यूबलाइट है और फैन है, तो आप वहाँ पर अपने उसके मुताबिक पहले आप कैलकुलेशन करेंगे। अगर कैलकुलेशन नहीं कर सकते आपके पास तो आप अपना जो आप एक आपके पास एक एम्पियर मीटर आता है उससे आप लोड चेक करें आपका लोड कितना आ जाता है। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 3 एम्पियर जा रहे हैं, फ्रिज भी है, फ़ैन भी है और ट्यूबलाइट भी है, 4 एम्पियर है फ़र्ज़ करें, तो आप वहाँ पर 6 एम्पियर का ब्रेकर लगाएं, वो आपके लिए बेहतर है। ये नहीं है कि आपने बस जहाँ पर 20 एम्पियर के ब्रेकर लगा दिए तो आप समझेंगे कि बस 20 एम्पियर का अच्छा होगा। और ये तो अक्सर ये लोग ये यहाँ पर गलती कर देते हैं, और होता यह है कि जब बिजली लो होती है तो फिर भी वो ब्रेकर ट्रिप नहीं करवाता और आपकी चीज़ें फिर जो है वो जलना या वो डेड हो जाना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने अपने फ्रिज में जो है वो 2 एम्पियर का ब्रेकर लगाया हुआ है, सर्किट ब्रेकर आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने अलग अलग कमरों के लिए जो लोड में ब्रेकर लगाए हुए हैं सीमेंस के, 6 एम्पियर के लगाए हुए हैं, तो मैंने अपने हिसाब से सारी कैलकुलेशन की हुई है, उसके मुताबिक ये जो ब्रेकर लगाए हुए हैं और ये बेहतरीन काम करते हैं मेरे हिसाब से। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये आपको अजीब चीज़ आपको नज़र आएगी पर ये एक असल में ये इन अलग शेड्यूलर है। जिस तरह अगर आप देखें, आप चाहते हैं कि 6 बजे आपकी जो है वो घर की लाइट्स ऑन हो जाएं, ठीक है, तो आप इसमें 6 बजे का टाइम जो है वो सेट कर देते हैं और फिर आप कहते हैं कि सुबह फजर के टाइम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, तो ये आपका जैसे ही वो शेड्यूलर आपका वहाँ पर आएगा 6 बजे तो ये आपका फिर बंद करवा देता है। वैसे तो ये LDR सेंसर भी आता है कि वो रोशनी भी काम करता है, वो भी ज़बरदस्त काम करता है, पर हर जगह पर अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। कहीं पर सेंसर कामयाब होते हैं तो कहीं पर वो उसकी, अब जिस तरह घर है, घर में तो सेंसर कामयाब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हर वक्त जो है वो रोशनी होती ही होती है, तो अंधेरा करवाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और कहीं पर जो है वो, अब सेंसर तो रोशनी और अंधेरे पे काम करता है, मुझे इसमें हावर्स के हिसाब से चीज़ों को ऑन ऑफ करवाना है, ऑपरेट करवाना है, तो फिर मैंने इसमें आवर्स के हिसाब से वो जो है टाइमिंग सेट करके रखा हुआ है। ये मैंने फ्रिज के लिए स्पेशली लगाया हुआ है कि फ्रिज जो है वो मैं चाहता हूँ कि रात को 3 बजे बंद हो जाए और 4 बजे दोबारा ऑन हो जाए, तो ये उसके लिए है। तो मैं समझता हूँ इतना कोई इंट्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी होगा चीज़ों का। तो कोई सवाल वगैरह होगा तो फिर प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, आपको इंशाल्लाह रिस्पांस मिलेगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी।